हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है यह नोटिफिकेशन। और ऐसे और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए हम लोग देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया गया है। और यह नोटिफिकेशन जो कि आपका रेगुलर डिप्लोमा होल्डर के लिए दिया गया है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच के लिए दिया गया है, जो कि जिसमें आपको मिनिमम 55% होना चाहिए 5 और 6 सेम तक मिला के। और आपको दिया गया है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 55% होना चाहिए। और फर्स्ट आपको जो दिया गया है प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, अटेंडेंस इलेक्ट्रिकल के लिए 85% दिया गया है, और प्लांट अटेंडेंस 68 दिया गया है मैकेनिकल के लिए। टोटल वैकेंसी आपका 153 है। और इसका यहाँ पे आपका मंथली पे स्केल दिया गया है, जो कि आपका फर्स्ट ईयर आपको 17,500 दिया जाएगा, और सेकेंड ईयर 19,000 तक दिया जाएगा, और थर्ड ईयर 20,500 दिया जाएगा, जो कि आपको दिया गया है। और आपको जो टर्म कंडीशन वो बताया गया है। और बीटेक कैंडिडेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ एज रिस्ट्रिक्शन दिया गया है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एयर दिया गया है, और डिसेबल पर्सन के लिए 10 वर्ष का, एक साल में के लिए 10 दिया गया है। और जो सर्विस मैन के लिए दिया गया है उनके लिए अप टू 40 वर्ष तक के लिए आप यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। और एज लिमिट जो कि दिया गया है, एज क्राइटेरिया दिया गया है अनरिजर्व्ड के लिए 36 वर्ष, और रिजर्व के लिए 41 वर्ष दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और रोस्टर ऑफ रिजर्वेशन जो कि आप में दिया गया है, जो कि एसटी एससी के लिए, यहाँ पे एससी के लिए मेल के लिए 3 रिजर्व है, एसटी के लिए मेल फीमेल 18-9, और ये सब रिजर्व देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको रिजर्वेशन दिया गया है, उसका यूज कर सकते हैं। और आपका फीस जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, जो जनरल और ओबीसी के लिए दिया गया 500, और एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 250 दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं इंक्लूड। और जो कि पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए www.gsecl.in में जाके अप्लाई कर सकते हैं, या अप्लाई डेट 31/1/2023 से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लास्ट आपको 23/1/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे इसको एग्जाम का जो सिलेबस दिया गया है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट आपका यहाँ पे 4-5 सेक्शन होने वाले हैं एग्जाम का, इसमें आपका फर्स्ट है आपका गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर 10% रहेगा, दूसरा है आपका जनरल नॉलेज 10% रहेगा, तीसरा है जनरल इंग्लिश है 10% रहेगा, और चौथा है कंप्यूटर नॉलेज 10% रहेगा, कवरिंग फॉलोइंग सब्जेक्ट टॉपिक वाइज 60% रहेगा, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है जिस भी आप टॉपिक से कर रहे हैं। और आपका मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप सिलेबस आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आप यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप इसके लिए अप्लाई करें वहाँ पर दिया गया है। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि और आपको नेगेटिव मार्किंग 1/4 कटेगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और वैसे कैंडिडेट जो कहीं पे काम कर रहे हों उन्हें ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ सबमिट करना होगा, गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कर रहे हैं उस कैंडिडेट। और ऐसी और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक यू।